मिशन इम्पॉसिबल की जितनी भी सीरीज है या फिर कहें मिशन इम्पॉसिबल जो मूवी है वो काफ़ी ज़्यादा दिल से कनेक्टेड है। इसकी जो स्टार्टिंग जो तीन मूवीज़ हैं वो तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, क्योंकि यार वो मूवीज़ जो हैं वो दोस्तों के साथ बैठ के देखी थी, तो उस वक्त की यादें इससे कनेक्टेड है। खासकर मिशन इम्पॉसिबल 3 मूवी, इथन हंट जो करेक्टर वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा मेरे लगता है, मतलब हमें क्या मुझे लगता है, मतलब ऐसे देखने में, मतलब ऐसे वो वाली बात नहीं कर रहा मैं। और मिशन इम्पॉसिबल 3 मूवी को काफी बार देखा गया है, मतलब हमने दोस्तों ने मिलके या मैंने अकेले भी मिशन इम्पॉसिबल 3 को काफी बार देखा। उसकी स्टोरी मुझे काफी पसंद है, एक्शन मुझे बहुत पसंद है, उसके बाद भी मिशन इम्पॉसिबल फेवरेट ही रही है। और जो अभी लास्ट मिशन इम्पॉसिबल 6 मूवी आई है वो भी बहुत बढ़िया एक एक्सपीरियंस रहा है उस मूवी को देखने का। और अब यहां पर मिशन इम्पॉसिबल 7, भाई साहब जो ट्रेलर हमें देखने को मिला, खैर इसके अंदर कहानी तो नहीं पता चलती क्योंकि ट्रेलर में ज्यादातर सारी की सारी चीजें वैसे साइलेंट रखी गई हैं, एक डार्क सी फीलिंग आती है। और मिशन इम्पॉसिबल 7 जब ये ट्रेलर स्टार्ट होता है तो नीचे लिखा आता है पार्ट 1, यानी ऑब्वियसली इसके अंदर एक सेकंड पार्ट और आएगा। देखा कितना इंटेलिजेंट तू, पता कर लिया ना इसका सेकंड पार्ट और आएगा, कहानी फर्स्ट पार्ट में नहीं खत्म होने वाली, इतना दिमाग है यार। खैर जितना इस ट्रेलर को देखकर कहानी के बारे में पता चलता है, कहानी के बारे में पता नहीं चलता, बस ये कह सकते हैं कि इसकी सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी है और इसके अंदर जैसे एक्शन स्टंट हमें देखने को मिल रहे हैं वो भाई साहब बहुत जबरदस्त है। टॉम क्रूज सर जैसे उन्होंने अपने स्टंट किए हैं और वो बार बार सुर्खियों में बने रहते हैं अपने स्टंट के कारण, तो वो जो चीजें वो करते हैं ना वो बहुत बेमिसाल होती हैं, बहुत बढ़िया लगती हैं। और इस बार भी सेम मिशन इम्पॉसिबल 7 में भी हम कह सकते हैं, और खासकर मिशन इम्पॉसिबल 6 की मैं बात करूं तो उसके अंदर एक जो बाइक का मतलब उसका चेजिंग सीन है, दौड़ने का जो चेजिंग सीन है, इसके अंदर भी चेजिंग सीन दिखाया गया दौड़ने वाला, वो बहुत मुझे पसंद आता है। और मिशन इम्पॉसिबल की जो कह सकते हैं कि सॉन्ग है, सॉन्ग या फिर एक जो ट्यून है वो बड़ी पसंद आती है मुझे, जो एक थीम सॉन्ग जो लगाया जाता है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी मैं उसे गा तो नहीं सकता, मुझे आती नहीं है, लेकिन वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, कानों को एक मतलब सेटिस्फेक्शन देती है। अब यहाँ पर सिनेमेटोग्राफी, एक्शन जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वो बहुत बढ़िया लगे हैं, और एक जो डार्क फीलिंग मैंने कहा ना जैसे स्टार्टिंग होती है वो एक डार्क फीलिंग इस मूवी के अंदर आती है। यार मूवी 2023 के अंदर रिलीज होने वाली है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, बट अभी भी एक्साइटेड हो गए हैं इस मूवी का ट्रेलर को देखकर। इसका बहुत टाइम से वेट भी चल रहा था, इसकी न्यूज़ भी सुन रहे थे कि यार हाँ इसकी शूटिंग खत्म होने वाली है और बहुत अच्छे से जा रही हैं, तो ये सब चीज़ें न्यूज़ बार बार थोड़ी थोड़ी हम पढ़ते रहते थे, तो इसको लेकर काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं अभी आने वाले टाइम में। जैसे कोरोना का जैसे खत्म हुआ ना कोविड का, ये बस यहाँ लॉकडाउन था हो लिया, अब जैसे बाहर सारी चीज़ें आ रही हैं, 2 साल से मूवी का जैसे तरसे हैं लोग, थिएटर में जाकर देखा नहीं है, अब बहुत सारी मूवीज थिएटर्स में आ रही हैं। अभी जैसे हाल फिलहाल में मार्वल ने अपना ट्रेलर रिलीज किया है थोर लव एंड थंडर को लेकर, उसके लेके एक्साइटेड हैं। अभी आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी मूवीज आने वाली हैं, अब ये इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और बहुत चीज़ें इसको लेकर मैं पॉजिटिव हूँ कि यार इसके अंदर ये सब चीज़ें हमें देखने को मिले, इतना बढ़िया स्टंट देखने को मिले। और जैसे हम मिशन इम्पॉसिबल मूवी को देखते हैं ना, तो इन्होंने अपने लेवल को अप ही किया है, हमें एक अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग एक फाइटिंग सीक्वेंस या फिर चेजिंग सीक्वेंस हमें जो दिखाए जाते हैं, एक्शन हमें दिखाए जाते हैं, स्टंट हमें दिखाए जाते हैं, वो एक अलग ही लेवल पर होते हैं, जिसको देखकर एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और एक ऑडियंस इनके साथ कनेक्ट रहती है। वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हमें देखने को नहीं मिलता, या फिर वही सेम टू सेम एक्शन सीक्वेंस हमें देखने को नहीं मिलता, एक नया ही अनुभव हमें सामने होता है। और टॉम क्रूज सर ने हमेशा ही ये कोशिश, मतलब जैसे आप उनकी परफॉर्मेंस देखते हो तो लगता है उन्होंने हर बार ये कोशिश की ही है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। क्या आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और नहीं देखा तो ये तो देख ही लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।